रुक जो आपको स्पॉइलर मत देते ना. हेलो ही इज बैक. जैसा मैंने आपको बताया था कि शूट है उसके लिए ही निकल रहे हैं एंड किस चीज का शूट है वो मैं आपको बताता हूँ दो मिनट. बट आज उठ के थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा था ब्लॉग का काम तो वो कर रहा था इसलिए मैं बीएड करवाने नहीं जा पाया. मैंने सिर्फ ट्रिम कर ली खुद ही मशीन से. कोई बात नहीं चलेगा आई गेस. चलो चलो अभी चलते हैं पहले वहां पे. दो मिनट. सो शूट ये है कि अभी हम जा रहे हैं दादर एंड हमारा शूट है रितेश देशमुख सर के साथ. उनकी मूवी आ रही है न्यू उसकी प्रमोशन के लिए उनके साथ रील्स बनाने उनके साथ थोड़ा कंटेंट बनाने हम वहाँ पे जा रहे हैं. मी उन्नति एंड शंकु है कि सबने घर से निकल चुके हैं तो ये प्लान है अभी का. सो ये था शूट इसलिए मैं आपको कल बोल रहा था कि बहुत स्पेशल रहने वाला है. सो यस आई एम अ बिग फैन. मैं उनसे एक बार मिल चुका हूँ एंड ही इज वेरी हम्बल एंड उनके साथ मिल के बहुत मजा आया था बिकॉज ही इज वेरी वेरी फन. मतलब वो वहाँ पे जब हम शूट भी कर रहे थे कॉन्टेंट बना रहे थे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे. ही इज वेरी काइंड. ही मेक्स एवरी वन फील वेरी कम्फर्टेबल एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम. सो यस अभी चलते हैं एंड उनके साथ शूट करते हैं. लेट्स गो दादर. वी आर हियर. शूट होने वाला है इन सम टाइम. अभी आई थिंक एक शूट ऑलरेडी चल रहा है दिख नहीं रहा यहाँ से. एक दो शूट्स और हो रहे हैं उसके बाद हमारी बारी है एंड शंकु भी आ रहा है आई थिंक थोड़ी देर में. जो रेशा भी आ रही है तो वेटिंग फॉर दैट. फिर साथ में शूट करेंगे यहाँ से फ्री होके फिर कुछ खाने जाएंगे ऑफकोर्स. ये कोई कहने की बात है खाना और हमारा रिश्ता इज वेरी गहरा तो हर शूट के बाद खाना इज इम्पोर्टेंट. चलो कीर्ति कॉलेज का वड़ा पाव की बातें शुरू हो चुकी है एकदम से. लाइन लगती है ये सब छोड़ दो बातें यार. सैलेड कहाँ के कॉलेज का अच्छा ये बता. सर से मिल चुके हैं हम अभी फिर उसके बाद सीधा वीडियो शूट करेंगे. इट्स अ वेरी फनी वीडियो. सो गाइस लव इट. इट्स गोना कम ऑन माय इंस्टाग्राम सो स्टे ट्यून्ड. Shoot with one and only Ritesh sir and sir just gonna say we love your videos with Janiya. Yeah, it's our favorite. Please you guys are magic. Please keep posting it. Yeah. And do you wanna give any spoilers about the movie? Just watch it for the stuff that you know. Oh shit. Okay, chalo. It's lunch time at this beautiful place called Demi. मेरी आवाज़ शायद कम आ रही होगी बिकॉज म्यूजिक चल रहा है बट वेरी प्रिटी रेस्टोरेंट इन कमला मिल. लव द इंटीरियर या वॉशरूम जा गया हो. बाय बाय. So guys, finally after almost 2.5 hours of traffic, we have reached studio. थोड़ी हालत ऐसी अजीब सी हो गई है बिकॉज एक्सपेक्टेड था कि एक घंटे में पहुँच जाएंगे. ETA एक घंटा दिखा रहा था बट हमें 2.5 hours लगे हैं. मैड ट्रैफिक वर्स्ट टाइम पर निकले हम उस टाइम पर निकलना ही नहीं चाहिए था बट ये कोई बात नहीं. अभी स्टूडियो आया है मेरे को इतनी भूख लगी थी.
लास्ट जो खाया था वहीं पे खाया था, उसके बाद 2.5 आवर, क्योंकि मैं मील लेता रहता हूँ हर 2 घंटे बाद, अभी तो मेरे को बहुत भूख लग रही है एंड अभी तक प्रोटीन भी नहीं पिया शेक। रुक जो आपको स्पॉइलर मत दे देना। हेलो ही इज बैक। द डेट्स आर 4 to 10 फॉर बोल दू नहीं तो अभी खाना यहाँ पे मंगाया, चलो खाना मंगाया तो यहीं पे खाऊंगा पहले, यहीं पे खाना खा के फिर होम, देन वहाँ पे कुछ खा के देन जिम। नवीन से हाय टू माय व्लॉग। ऐसे क्यों, ऐसे लूंगा तो ऐसे लूंगा ना नॉर्मल, अभी तो व्लॉग चल रहा है। क्या कहना चाहोगे नवीन को देखिए, ये आता है कि शाहरुख खान की मूवीज आने वाली है। हाँ शायरी बोल दे, तो शायरी शायरी बोल दे फटाफट, कुछ याद नहीं आ रहा कैसे भी बोलूंगा तो बहुत बुरा बोलूंगा, कुछ भी चलेगा। पहली बार व्लॉग में आ रहा है तू? हाँ फर्स्ट टाइम, इसलिए तभी होती है इंट्रोडक्शन शायरी के साथ होनी चाहिए। डैम गाइस शाहरुख खान का डायलॉग बोल दे। हाँ डायलॉग बोल दे चल शाहरुख खान, ये तो तेरे लिए वो है, ये तो बाय हार्ट। हाँ बाय हार्ट होना चाहिए तेरे को। वन फिंगर खेल फेवरेट डायलॉग बोल दे चल, तेरा फेवरेट है। भैया खाओगे चिकन? अच्छा मंडे टू संडे आप नहीं खाते हो, ठीक है ठीक है। ये कैमरे में थोड़ा आया नहीं था इसलिए। अच्छा इंसर्ट हुआ है उसके बाद, मैंने बोला था कमजोर लग रहे हो। I'm sounding like my mom, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलते हैं सेम, कमजोर लग रहा है। ठीक है चलो I'll take this part. Let's go. Bronu, आज पूरा दिन ब्रॉनू से मुलाकात नहीं हुई। ब्रॉनू इधर आओ, काम। ये देखो क्या टॉय है ब्रॉनी के इधर। ब्रॉनी इधर आ, आज आप पूरा दिन नहीं मिले, मतलब गुस्सा क्यों हो रहे हो आप इधर? हेलो सर, आई एम सॉरी थोड़े शूट थे आज ज्यादा। थैंक यू इतने जल्दी मारने के लिए। आ जाओ इधर आओ, गुस्सा कर रहा है यार, ये कह रहे कि आज पूरा दिन आप बाहर घूमो। सॉरी यार ब्रॉनी, इसका मतलब ये थोड़ी हमें कुछ चबाना शुरू कर दोगे। ये देखो पूरा गुस्सा निकाला जा रहा है, बिकॉज आज हम पूरा दिन बाहर थे, लेट आए, सुबह निकले 12 बजे एंड वापस आए 9 बजे। उसका बनता तो है, मतलब देखो बनता है, मैं कुछ कहूँगा नहीं ब्रॉनी आपको, बिकॉज डिजर्व करते हैं हमें। सॉरी फॉर स्टेइंग अवे इतना देर के लिए, ठीक है। मैच चल रहा है साथ में, अभी थोड़ी भी रील्स एडिट की है। Yes. एक तो आज की रील एडिट की है जो हम शूट करके आए हैं, एक उन्नति की रील एडिट की है बहुत मैक्स प्यारी, आपको आई थिंक कल आप पोस्ट कर रहे हो। हाँ तो मतलब दोनों रील्स आपको ये ब्लॉग के बाद मिल ही जाएंगी। बाकी अभी मैं नहाने जा रहा हूँ बिकॉज बहुत नींद आ रही है, नहा के फिर निकलते हैं जिम। बज चुके हैं 11:45 एंड आई एम डन विद द जिम। चेस्ट वर्कआउट लगाया आज, वर्कआउट तो बहुत अच्छे से हो गया, बट कार्डियो आज मैंने नहीं की। आई थिंक मेरी काफ़ी कार्डियो ऑलरेडी हो गई है इतना गाड़ी चलाकर, इतना ट्रैफिक में गाड़ी ड्राइव करके, सो आई थिंक कार्डियो की ज़रूरत नहीं है, आज थोड़ा रेस्ट करते हैं। बट वर्कआउट अच्छे से हो गया, डन, हैप्पी अबाउट दैट। अब चलते हैं घर पर एंड अपना लास्ट मील डिनर खा के रेस्ट करते हैं। आगे के दिन बहुत ज़्यादा हैपनिंग है फर्स्ट थिंग, बट सेकेंड थिंग इट्स ऑल्सो गोना बी वेरी टायरिंग, जैसे पिछले 2 दिन थे उससे डबल होता जाएगा। दिसंबर इज अ वेरी प्रोडक्टिव मंथ ऑलवेज, दिसंबर हमेशा बहुत चीजें लेके आता है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिसंबर, बट ऑल्सो नीड टू गेट रेडी फॉर ऑल द स्टफ। बट अभी के लिए ठीक है, घर चलते हैं।
डिनर करते हैं. So guys, done with my dinner and now it's time to watch all the football match and highlights. So this was it. I hope you liked the video. If you do, hit the like button and do subscribe to my channel. I'll see you guys tomorrow with another vlog.